गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। और देखा सतनाम गेट के वेरिफिकेशन। अरे वाह। अब आगरा से श्री जयमल सिंह जी ने सीधा नाम लिया था शिवदयाल जी से, और जयमल सिंह जी ने ब्यास में डेरा स्थापित कर दिया। उसके तुरंत उत्तराधिकारी बने सावन सिंह जी, और सावन सिंह जी से ही एक बलोचिस्तानी सामस्ताना। पुणात्माओं, इनकी जन्मपत्री जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपका समझ मन आओ तुम कहाँ खड़े हो, किसकी ओट लिए बैठे हो। तो इनकी जीवनी जन्मपत्री बतानी आवश्यक होगी है। सावन सिंह जी से उपदेश लिया किसने? बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल सिंह जी ने, और उसने सच्चा सौदा सरसा में स्थापना कर दी। ये समझ लेना शिवदाल जी के विचार उनके पास है, नथिंग एल्स। समझदार को संकेत बहुत होता है, और इतनी दुनिया को जोड़ के बैठ गए, वो कहाँ ले जाएंगे? उनको कर्म बिगाड़ रहे हैं, वो अपना भी और उनको भी बर्बाद कर दिया। इनका ज्ञान ऐसा है, ये ध्यान कहाँ लगाएंगे, कहाँ जाएंगे? अब सावन सिंह जी के विचार सुनाता हूँ सतनाम के विषय में, देखिएगा। ये है संत मत प्रकाश और भाग तीन। इन्हें दुनिया भर की पुस्तक घट दी, सारी नरी बकवाद भर रखी है। इसके 102 पृष्ठ पर संत मत प्रकाश भाग तीन, हजूर बाबा सावन जी के सत्संगों का संग्रह, राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, 2007 में लेटेस्ट संस्करण है यो, और प्रिंटेड बाय इन इंडिया बाय गोपसोन पेपर लिमिटेड। इसके 102 पृष्ठ पे इन्होंने सतनाम को डिफाइन किया, देखना 102 पृष्ठ पे है ये संत मत भाग प्रकाश के तीन भाग तीन। अब कहते हैं सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, सचखंड कहो तो सतनाम चौथा लोक है, ठीक है। और ये सभी सभी के अंदर है, यो सतनाम चौथा लोक आपके अंदर है। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं इसी के 107 पृष्ठ पर ये क्या बोलते हैं। 107 पृष्ठ पर देखना इस सतनाम को आगे क्या डिफाइन किया है। 106 से शुरू करेंगे। वही सत्संगी हजूर जहाँ राम नाम का जस महिमा होता हो। महाराज जी ने कहा कि सावन सिंह जी कह रहे कौन से राम का? सत्संगी ने कहा क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी बोले सावन सिंह जी चार राम हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब 107 पृष्ठ पे ये संत मत भाग तीन ही है। वही सत्संगी हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लगे डिफाइन करने, जो सच्चा सौदा सरसाड़ा के भी गुरु जी हैं। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब देखियो, पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हम उन्हें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, और यो असली राम है। वाह रे, ये भी मेरे ख्याल में क्यों भांग भूंग पीवे थे। अब चौथा राम सतनाम है, और यो असली राम है। इन कई सतनाम में ना समझ वालिया सांग के है, और ये पार होएंगे। परमात्मा क्या बताते हैं? मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था, इन कह कह का नहीं पता था। अब देखो गुरु ग्रंथ साहिब के कितने अच्छे रेफरेंस ले रखे इन्होंने सावन सिंह जी ने। संत मत प्रकाश भाग चार में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा कि दो अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे।
वो दो अक्षर कौन से थे जो गुरु नानक देव जी के आपने पढ़ लिए, बार बार नहीं बताऊंगा। अब देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 4, ये श्री सावन सिंह जी के सत्संगों का वचनों का संग्रह है। और ये इनके गीता के से वर्ण हैं। गीता जैसे आज तक 150 वर्ष से चल रहे हैं, इनके सैकड़ों वर्षों से। और ये देखो इनका कौन है प्रकाशक है, संत मत भाग 4 सावन महाराज सावन सिंह जी, प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। और ये पहली बार 2002 तक, 10वीं बार छप चुके हैं 2010 तक, 15,000 यानी 60-70,000 तो ये यहाँ तक छप चुकी हैं। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब हम आते हैं इसके प्रश्न नंबर 261 पर। यहाँ सावन सिंह जी अक्सर रूप निखरती, चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना, ये है अमृतवाणी शिवदयाल की। हर खोलन चला है सावन सिंह, देखना यह संसार सर है और जो अक्सर है वह ब्रह्म है और नी अक्सर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का रेफरेंस दे रहे हैं ये। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरफ है तरह सब है कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। यानी इसका संकेत तो गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी की वाणी का है कि वो असली मंत्र इन वेदों में कोनी, और वो अभी तक उनमें नहीं लिखा गया क्योंकि उस समय आदरणीय कबीर परमेश्वर जी की पूज्य कबीर परमेश्वर जी की वाणी भी लिखी नहीं गई थी जब गुरु ग्रंथ साहिब के नानक साहब ने वाणी बोली थी। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो, इसको अनुवाद कर रहे हैं ये सावन सिंह जी, जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया, आगे 2 अक्षर और हैं, 2 अक्षर और हैं जो पारब्रह्म हैं। तो वो 2 अक्षर ही खुद तो कह रहा है पारब्रह्म हैं। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, और एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित, बिना 2 अक्षर 2 नामा, 2 अक्षर 2 नाम है, 2 अक्षर के 2 नाम है वह। और परणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा, ये गुरु ग्रंथ साहिब के इस पन्ने पर अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अरे यू क्या भेद बताओगे इसे देखना। यदि यदि तुम गुणी हो ज्ञानी, इसका अनुवाद करेंगे, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है। आप प्रश्न करें आप उत्तर दे रहे सावन सिंह जी, वो तो पार ब्रह्म है। 2 अक्षर, एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। वाह रे वाह। और यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाक और होगा खसम तलेगा राख। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहिब की वाणी लिखी है 329 पृष्ठ पे। कह रहे हैं कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर 2 अक्षर भाक, भाक माने बोल कर सुना, और ये नौके आगे पाओगे पार ब्रह्म में, वो अक्षर पार ब्रह्म में पाओगे। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म में है, वो मरे पाछे मिलेंगे इन्हें। और रेफरेंस दे रहे हैं जिन महापुरुषों की वाणी को, वो तो कह रहे हैं 2 अक्षर बोल भाक यानी 2 अक्षर का नाम देना चाहिए, और होगा खसम तलेगा राख यानी इस नाम के देने का अधिकारी कोई संत होगा तो आगे रक्षा होगी। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, एक अक्षर हर मन बस है नानक होत निहाल, एक अक्षर और है जो सार नाम है, वो तीसरा मंत्र है। इसकी तरफ संकेत है। इन संतों महापुरुषों की वाणी भगवान की वाणी सही है, लेकिन ये समझ नहीं सके। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शासत, इन पढ़ा मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरमुख जाप है तिसकी निर्मल होई। अब गुरु ग्रंथ साहिब के इस 747 पृष्ठ पर न्यू लिखा है कि उस अक्षर का जाप करना गुरुमुख ने,
यानी गुरु धारण करके गुरुमुख होकर के फिर उसका जाप करना है। अरियनों के पार ब्रह्म मिलेंगे। ये देखो वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। ये अनुवाद कर रहा सावण सिंह। अब वाणी क्या कह रही है गुरु ग्रंथ साहिब की कि एक अक्षर जो गुरुमुख जापे ये तो जाप करना है गुरुमुख होकर गुरु जी का शिष्य बनकर कोई परम संत बनाकर। और ये कह रहा है ये वह अक्षर आपके अंदर है मरे पाछे मिलेगा और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा वो जब भूत बन देंगे। अकल देखो इनकी वाणी क्या कह रही है अनुवाद क्या कर रहे हैं। तो अभी तक हम इनको परम संत मान के हमने डाउट ना होया। अब इनकी कितने भी थ्योरी ठीक नहीं पाओगी आपको देख लेना। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड हमारी जाति सतनाम। यो सतनाम बना समझ मारे इनके केक बताने लगे देज ने। अरे वाह हमारा धर्म सतपुरुष है, धर्म इनका सतपुरुष है। ये पराया देश छोड़ के आत्मा अपने देश को जा रही है। और देखो यह आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़ के और सतनाम में जा रही है। ये देखो कि एंडमेंट बोल रहे अब इन्होंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा हरियो राधा स्वामी पंथ जोड़ा। अब देखो अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द सो हम शब्द और सत शब्द। यो गीता जी के तीसरे सत्र में जाएगा 23वां श्लोक इधर सुन लिया इनने, इसमें यो और जोड़ दिया और सत शब्द इसका किसी ने पता है कोई नहीं। परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए और यो तैयबा हमने गोप छिपाए गुप्त बता दो यो तीसरा कित। और ये इनका जाप भी ना करते और ये दो अक्षर हैं जो पूरा गुरु बतावे है सोई गुरु पूरा कहावे 261 पृष्ठ पे। ये संत मत भाग के गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी लिखे सोई गुरु पूरा कहावे दो अक्षर का भेद बतावे। वो तो इब्बा बताओगा जीवित में मेरे पास से के बताओगा जाने के बाद स्पष्ट कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी तो। और एक छुड़ावे एक लखावे ओम का जाप करेंगे काल से छुटवाएगा और दूसरा मंत्र है वो हमें सतलोक भंवर गुफा तक ले जाएगा। वो मंत्र आगे पहुंचा नहीं सकता जब तक सार नाम नहीं होगा। वो वहां से दर्शन हो सकते हैं वो सतलोक है लेकिन जा नहीं सकते। बीच में पारदर्शक एक बहुत बड़ा सीमा है बना रखी है परमात्मा ने। तो वो एक मंत्र है वो अलग से मिलेगा एक छुड़ावे एक लखावे उन दो अक्षर में बता रखे है। तो परमात्मा अब और दिखाते हैं इनके विषय में क्या कहा भगवान ने। बेखो के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे सतगुरु धाम न जावेंगे ये 84 के डोरे। संतों की वाणी को चुरा कर पंथ जोड़ कर बैठ गए कैखे का नहीं पता महापुरुषों की वाणी क्या कह रही है ये खुद उपदेश क्या दे रहे हैं। कहाँ वो पांच नाम, पांच नाम वो नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में पांच नामों का भी जिक्र है और उन पांच नामों से मोक्ष नहीं है। वो पांच वो नहीं है अरंकार ओंकार ये कहीं नहीं लिखा गुरु ग्रंथ साहिब में। वो पांच नाम अलग है पांच प्रधानों के हैं इन पांच प्रधानों के जो आपको दिए जाते हैं। अब यो तो आपने देख लिया मोती मुक्ता दर्शत ना ही ये जग है सब अंदरे दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये संत कमावे थे और गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को उल्टा पाठ पढ़ावे थे। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।